नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो अपडेट किया था जिसमें ये बताया था कि यूपी सीएचओ का एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है। बहुत सारे लोग को अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है पासवर्ड में कि पासवर्ड क्या चीज़ मेंशन करने। पासवर्ड में बहुत सारे लोग जो है कि अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने हैं और यूज़र आईडी मेंशन कर रहे हैं, बट डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं मेंशन करना। उनको पासवर्ड ढूंढने में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आपको मैं बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूँ कि आपको आपका अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड कहाँ से आपको मिलेगा और किस तरीके से आपको ढूंढना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको वो जीमेल आईडी खोलनी है जो आपने फॉर्म भरते वक्त, ऑनलाइन कराते वक्त जो मेंशन कराया था, जिस जीमेल आईडी को आपने मेंशन किया था उसमें, उस जीमेल आईडी को ऑन करना है। जब जीमेल आईडी ऑन करेंगे इस तरीके से, जब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे जाएंगे तो नीचे इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि लिखा होगा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो पासवर्ड है वो जीमेल में ही मिलेगा आपको, और जीमेल में कहाँ पे होगा, किस तरीके से लिखा होगा, देखिए नो रिप्लाई लिखा होगा और लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल लॉगिन डिटेल, ठीक है, और डियर करके आपका नाम लिखा होगा, यानी कि जिस भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है उनका नाम लिखा होगा। जब इसको ऑन करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरीके से आपका लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीट स्टेप सेकेंड, ठीक है, डियर आपका नाम लिखा होगा और यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी लिखी होगी, यानी कि यूज़र आईडी जो आपका NHM करके है, ठीक है, और पासवर्ड में आपका पासवर्ड लिखा होगा। मैं यहाँ पे हाइड कर दिया हूँ क्योंकि मैं किसी का यूज़र आईडी और पासवर्ड शो नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे हाइड कर दिया हूँ। दोस्तों, यदि आपको यहाँ से नहीं मिल पा रहा है, आपको जीमेल पर नहीं समझ आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप दूसरा ऑप्शन भी है कि आप आईडी खोलेंगे, यानी कि जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूज़र आईडी और जहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है तो वहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी पता है तो यूज़र आईडी मेंशन करके नीचे आपको एक फॉरगेट का ऑप्शन देगा, वहाँ पे फॉरगेट करेंगे तो जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपकी OTP जाएगी, वहाँ से भी एक नया पिन जनरेट करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से, तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो, इस तरीके से आप लोग अपना पासवर्ड ढूंढ सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आशा है कि समझ आ गया होगा आपको।